अच्छा, आप में से किस किस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो केमिस्ट्री रहती है वो रटने का रहता है, काफी कुछ क्रैमिंग है, इनऑर्गेनिक तो रटने का रहता है, ऑर्गेनिक भी रटने का रहता है, किस किस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से एवरीवन। तो यार देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप सही टीचर से पढ़ते हो, फिजिकल इनऑर्गेनिक एज वेल, तो आपको इतना मजा आएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है ना, उनके भी लॉजिक होते हैं, पता है आपको, जो इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये वो हर एक के तरीके होते हैं। कोटा में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे आ स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे रिएक्शंस को प्रेडिक्ट करना है पहले से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जब मैं यहाँ पे एडीपी स्टार में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो आई टेल देम कि भाई इस तरीके से समझना है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसलिए केमिस्ट्री को ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट क्रैम, क्योंकि समझे बिना रटना, कितना रटोगे यार ये बताओ। सिलेबस थोड़ा सा है क्या, चुन्नू सा सिलेबस है या बहुत सारा सिलेबस है, आप ही बताओ। सिलेबस बहुत सारा है ना, अभी बताओ, अगर बहुत सारा सिलेबस है तो इतना सारा सिलेबस सिर्फ रट के हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, हमें समझना होगा, हमें अंडरस्टैंड करना होगा।